हेलो भाइयों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई एक दिन का बीच में ब्रेक ले लिया यार, हॉलीडे, क्योंकि जाम होटल पे रुके हुए थे दानंता में, हमने उसी में पूरा दिन स्पेंड किया जो कि 16 तारीख थी। वो आज 17 तारीख है और आज हम भाई अनंता से चेकआउट करके निकल चुके हैं रायता हिल्स के अंदर और पहुँच चुके हैं वैसे तो अभी, तो थोड़ा लेट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई अभी आपको रायता हिल्स दिखाऊंगा कैसी है, और जो जिस रास्ते से हम आए ना उस रास्ते पे जो प्यारे प्यारे व्यूज हमको देखने को मिले, और अभी जो फाइनल व्यू पॉइंट है वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। तो एक बार यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा और फिर वापस अब जब नीचे जाएंगे तो फिर वो पूरा व्यू दिखा दूंगा मैं, जो भी सब दिखा था हमें बहुत प्यारा व्यू। तो भाई रायता हिल्स दिखाता हूँ सबसे पहले, ये भी एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है भाई। उदयपुर के अंदर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ तो मस्ट आना भाई, बहुत ही प्यारी जगह है यार। भाई कुछ ऐसे पहाड़ है यार यहाँ पे, ये देखो इधर तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ये पहाड़ आप देखो यार, और इधर वैली है एक, ये देखो ये पूरा वैली टाइप में है, और इधर फिर और पहाड़ ही पहाड़ है, ये देखो। और अभी आप लोग को और पहाड़ दिखाता हूँ, अब इधर देखो भाई पहाड़ दिखाता हूँ, ये देखो पूरे विंडोज़ एक्सपी वाले पहाड़ है ये इधर की साइड तो, और ये और गाड़ी हमारी इधर खड़ी है, ये आने का रास्ता है जहाँ से हम पैदल पैदल आए हैं। और भाई कुछ ऐसी हिल्स है यार, ये तो मतलब फाइनल व्यू पॉइंट जहाँ हम खड़े हैं ना वहाँ से व्यू है। अभी जिस रास्ते से आए ना उसके व्यूज़ यार बहुत प्यारे थे, और आज बहुत सारी अलग अलग जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। उस जो भी मतलब एक्सप्लोरिंग वाली चीज़ें होगी ना वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें से आज का जो फर्स्ट प्लेस था वो यही था रायता हिल्स, हमारे होटल से काफ़ी पास था तो सबसे पहले हमने सोचा यहीं चल के आते हैं। तो अभी सबसे पहले ये देखी, अब आगे बढ़ेंगे और नई जगह देखेंगे। भाई अभी हम उधर गए हुए थे और उधर से आ गए हैं अपने झोटे के पास सफारी। अभी थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ट्रिप पे निकले हुए हैं, मतलब 3-4 दिन से, तो साफ वाफ की नहीं और डार्क एडिशन है तो गंदी तो हो ही जाती है भाई। पर ये लग बहुत मस्त रही है यार, ये देखो जो इसका लुक है ना, अमेजिंग यार। और बाकी ये व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है। इधर थार भी खड़ी है, पर थार से ज़्यादा अच्छी अपनी ये लग रही है सफारी। और अभी चलते हैं भाई। भाई सेकंड लोकेशन हम आ चुके हैं बोटिंग करने फतेह सागर लेक पे, और हमने जो बुक की है भाई वो स्पीड बोट है, 236 रुपीस पर पर्सन, और बाकी आप स्लो ये वाली बोट भी कर सकते हो, ये वाली है 89 रुपीस पर पर्सन, ये 15 मिनट घुमाएगी, वो 3 मिनट घुमाएगी। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने पहन लिए लाइव जैकेट जो कि कंपल्सरी है बोटिंग करते वक्त पहनना।
तो भाई फतेह सागर के अंदर बोटिंग करके आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा फन एक्सपीरियंस था यार। हम आगे की साइड बैठे थे स्पीड बोट के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आया यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उदयपुर आओ तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वो जरूर करना भाई, बहुत मजा आएगा। चार जनों की टिकट का प्राइस हमारा लगा 944 रुपीज और वर्थ इट है भाई, मतलब करना बहुत बनता है यहाँ पे आके एक बार तो। और ये देखो ये है फतेह सागर, और पर्सनली ना मुझे पिचोला से अच्छी फतेह सागर लेक लगी। पिचोला लेक ना काफी ज्यादा कवर्ड है यार चारों तरफ से, तो उसका मतलब मजा सा नहीं आता है। ये जो फतेह सागर लेक है ना ये पूरी ओपन है भाई, इसके ऑल अराउंड रोड्स है, उस पर आप कार चला सकते हो और ऐसा अच्छा व्यू आता है, चारों तरफ पहाड़ है ना तो काफी अच्छा व्यू आता है और बहुत अच्छी लेक लगती है एज कम्पेयर टू पिचोला। तो भाई अब हम आए एक्वेरियम जो कि जस्ट फतेह सागर के बगल में है। तो भाई अब हम आ चुके हैं सहेलियों की बाड़ी में। तो भाइयों ये है सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, उदयपुर में सिटी पैलेस के पास ही है, फतेह सागर लेक के पास, सॉरी। और इस जो ये जो देख रहे हो ना आप, इसका नाम है बिन बादल बरसात, ठीक है, उधर लिखा हुआ है। और इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो छतरी सी है ना इसमें से पानी निकलता है, और ये जो सारा पानी निकल रहा है ना ये भाई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी मोटर्स फिक्स नहीं है जिसके थ्रू ये पानी निकल रहा है। ये पानी आ रहा है भाई फतेह सागर लेक से, और फतेह सागर लेक इससे 80 फीट ऊपर है हाइट में, और ये थोड़ा उससे नीचे है लेवल में, तो वहाँ से जो प्रेशर आ रहा है उससे ये पानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फाउंटेन्स के रूप में चल रहा है। नाइस वन, बिन बादल बरसात से निकल के हम आ चुके हैं इधर रासलीला, फाउंटेन का नाम है वैसे इधर, पर ऐसा कुछ बगीचा है ये देख सकते हैं। और ये भाई ये जो भी दिखा रहा हूँ मैं ये सब रानियों के लिए बनाया गया था, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। आगे एक फाउंटेन है राजा और रानी को एंटरटेनमेंट करने के लिए भाई, ये है रासलीला फाउंटेन, चारों तरफ पेड़ पौधे, बीच में फाउंटेन और इधर से एंट्री। भाइयों ये है कमल तलाई, इसमें कमल के फूल है, और हाथी की कहीं से तो पानी निकल रहा है। ये है भाई सावन भादो करके कुछ फाउंटेन है, यहाँ पे पूरा फाउंटेन्स ही फाउंटेन्स है, ये देख सकते हो भाई। इतनी चीजें थी इस सहेलियों की बाड़ी में, मतलब पूरा फाउंटेन्स का है और रानियों के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया हुआ है ये, तो ऐसी कुछ चीजें थी भाई। ये था सहेलियों का बाड़ी, ये भी हमने देख लिया है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि ये चीज़ ज़रूर देखना, इसलिए हमने ये भी देख लिया है।
और बढ़िया था, पीसफुल जगह थी। आप अगर यहाँ पे टाइम से आओ तो बैठ के काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो आराम से, और बहुत अच्छी जगह थी। तो भाई रात हो चुकी है और अब अपन आ चुके हैं अपने अगले स्टे के अंदर। अनंता को सुबह चेकआउट कर दिया था और अब हम आ गए हैं भाई अरण्या विलास में, जो कि लेक पिचोला से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस ही दूर है, आधा किलोमीटर दूर है और सिटी के बीच में है ये। अब तक अपन थोड़ा आउटर में रुक रहे थे, अब अपन सिटी के बीच में रुके हैं अरण्या विलास में। और इसका स्टे भी अच्छा है, थोड़ा लग्जरी है बट उनसे कम है जिसमें अपन पहले रुके थे, जैसे अनंता से थोड़ा कम है ये, पर अच्छा है ये भी काफ़ी। और ये हमें पहले मिलना नहीं था यार, क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं की थी, हम उसी दिन बुक कर रहे थे इसलिए हमें मिला नहीं था, इसलिए हमने किया नहीं। बाकी फिर हम आउटर में चले गए और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेज करके आए और अब फाइनली हम आ पहुँचे हैं अरण्या विलास में। और कल हम यार यहाँ से निकल जाएंगे अपने जयपुर के लिए, अपने झोटे में यानी सफारी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं।